नमस्कार दोस्तों, शालिनी शर्मा की संगीत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी इस कक्षा में बात करेंगे एक ताल की। एक ताल में 12 मात्राएं होती हैं और इसमें 6 विभाग होते हैं। इस ताल की पहली, पांचवी, नौवी और ग्यारहवीं मात्रा पर ताली होती है और तीसरी और सातवीं मात्रा पर खाली होती है। इस ताल के बोल इस प्रकार हैं: धिन, भिन, धागे, तिरकिट, तू, ना, क, ता, धागे, तिरकिट, धिन, ना। तो आइए दोस्तों, सीखते हैं कि इस ताल को अपने हाथ पर कैसे करते हैं। सबसे पहले एगुन से शुरुआत करते हैं। धिन, धिन, धागे, तिरकिट, तू, ना, क, ता, धागे, तिरकिट, धिन, ना, धिन। ये थी दोस्तों एगुन। आइए इसको एक बार फिर दोहराते हैं। धिन, धिन, धागे, तिरकिट, तू, ना, क, ता, धागे, तिरकिट, धिन, ना, धिन। आइए दोस्तों, अब हम इसकी दुगुन सीखते हैं। एक ताल की दुगुन के जो बोल हैं उनको हाथों पर कैसे किया जाता है। धिन, धिन, धागे, तिरकिट, तू, ना, कत्ता, धागे, तिरकिट, धिन, ना, धिन, धिन, धागे, तिरकिट, तू, ना, कत्ता, धागे, तिरकिट, धिन, ना, धिन। ये थी दोस्तों इसकी दुगुन। इसे भी और अच्छे से याद करने के लिए आइए इसको दोबारा से रिपीट करते हैं। धिन, धिन, धागे, तिरकिट, तू, ना, कत्ता, धागे, तिरकिट, धिन, ना, धिन, धिन, धागे, तिरकिट, तू, ना, कत्ता, धागे, तिरकिट, धिन, ना। ये थी एक ताल की एगुन और दुगुन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसकी एगुन और दुगुन हाथ पे अच्छे से करना सीखे होंगे। अगली कक्षा में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।